सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टाइलन को और क्लिक कीजिए बेल बटन पर हमारे सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन पाने के लिए। हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रीति और आपका स्वागत है आपके चैनल स्टाइलन में, जहाँ हम कटिंग, स्टिचिंग और सिलाई से रिलेटेड सारे टिप्स एंड ट्रिक्स सीखते हैं। हमारे एक व्यूअर है जिन्होंने हमसे पूछा है कि ब्लाउज का आगे का पर्दा छोटा क्यों हो जाता है, वो जब भी सिलती है आगे का पर्दा उनका छोटा हो जाता है, तो उसके कई रीजंस हैं जो मैं आज इस वीडियो में क्लियर करूंगी कि छोटा होने का रीजन क्या है, जैसे कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप ब्लाउज बनाओ तो आपके ब्लाउज का आगे का पर्दा छोटा नहीं होगा। तो ब्लाउज के आगे का पर्दा छोटे होने का कई रीजंस होते हैं, ठीक है। हमें क्या करना, कटिंग करते टाइम ध्यान रखना है कि जब भी हम ब्लाउज की कटिंग करें तो जहाँ जहाँ हम चुन्नट भरते हैं, जहाँ हमारी सिलाई लगती है, उसके लिए जो कपड़ा चाहिए वो एक्स्ट्रा में हम अपने ब्लाउज के कपड़े में रखें, ठीक है। जैसे हमने चुन्नट भरना है, यहाँ पर हाफ इंच का चुन्नट जाता है तो हाफ इंच कपड़ा हमें एक्स्ट्रा लेना है आगे के पर्दे में, ठीक है। अब जब बेल्ट हम ज्वाइंट करते हैं तो इस वाले कपड़े पे और अपने बेल्ट पे हाफ इंच इस पे जाता है, हाफ इंच इस पे जाता है, वो कैसे, जैसे ही हम इस तरह से हम अपने बेल्ट को ज्वाइंट करते हैं तो हमने क्या करना, हाफ इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है, क्योंकि बेल्ट है तो अच्छे से सिलाई लगनी चाहिए, तो हाफ इंच की दूरी पे हमने सिलाई लगानी है, लगा दी। तो हाफ इंच तो हमारा अपने बेल्ट के कपड़े में से चला जाएगा इस तरह से कपड़ा, और हाफ इंच ही हमारे ऊपर वाले कपड़े में से जाता है, तो टोटल 1 इंच कम हो जाता है कपड़ा। और हाफ इंच ये अपने चुन्नट है तो 1.5 इंच हो गया मिला करके। तो आपको क्या करना है, बेल्ट में इस वाले कपड़े पे मतलब टोटल 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। वो कैसे लेना है मैं बताती हूँ आपको। जब भी आप बेल्ट की कटिंग करो, जितना आपका बेल्ट है उतना तो रहने ही है, लेकिन आपको क्या करना, हाफ इंच जब ज्वाइंट करने के लिए लेंगे तो एक्स्ट्रा सिलाई के लिए इसमें लेंगे, हाफ इंच ज्वाइंट करने के लिए एक्स्ट्रा इसमें लेंगे, प्लस आपको इस वाले हाफ इंच को भी लेना है, तो टोटल इस वाले कपड़े पे 1 इंच का एक्स्ट्रा लेना होता है कपड़ा, और इस वाले पे हमें हाफ इंच का एक्स्ट्रा लेना होता है, जिससे कि हमारा 1.5 इंच बराबर हो जाता है, और सिलने के बाद जो भी हमारा लेंथ है अपने ब्लाउज का प्रॉपरली आ जाता है। तो कई बार क्या होता है कि लोग इस तरह से कटिंग कर लेते हैं, कई लोग कटिंग करते हैं डायरेक्ट कपड़े पे, पैटर्न नहीं बनाते हैं, और उनका ये होता है कि एक्स्ट्रा में जो कपड़ा लेना होता है, जैसे चुन्नट के लिए नहीं लेते हैं, और इसके यहाँ बेल्ट के लिए भी कई बार मैंने देखा है कि नहीं लेते हैं, तो जिससे जब वो बेल्ट ज्वाइंट करती हैं, चुन्नट भरती हैं, तो आगे का कपड़ा ऑटोमेटिकली छोटा हो ही जाएगा, कुछ भी कर लो अब छोटा होगा अगर नहीं लोगे तो। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर इधर से देखिए, मैंने यहाँ पर हाफ इंच लिया है, टोटल हाफ इंच होता है इसमें, और जब हम सिलाई लगाते तो 0.25 की सिलाई लगती है, ठीक है, फोल्ड होकर के, और जब सिंगल होती है ये तो हाफ इंच टोटल होता है, हाफ इंच इसमें होता है, ठीक है। जब हम इन चीजों को ज्वाइंट करते हैं तो हमारा ये आगे का पर्दा बराबर आएगा, अगर हमने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लिया है तो, और नहीं लिया है तो ऑटोमेटिकली छोटा आएगा ही आएगा, छोटा हो ही जाता है ये, क्योंकि इसमें काफी सारी इस वाली सिलाई में और चुन्नट में काफी कपड़ा चला जाता है। फिर ऊपर से आपका भी अभी भी इतना हुआ है कि नीचे वाले जो फोल्डिंग के लिए है अभी भी इसमें सिलाई लगनी बाकी है, तो इसमें भी छोटा होगा। फिर हमें स्लीव्स भी ज्वाइंट करना है तो उसमें भी जाएगा, अभी यहाँ से और यहाँ से अभी भी कम होगा कपड़ा। तो आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप कटिंग करो तो आपको ऐसे सिलाई के लिए एक्स्ट्रा में लेना है, ये चुन्नट के लिए लेना है अलग से, और बेल्ट और इसमें जो हम लगाते हैं हाफ हाफ इंच उसमें एक्स्ट्रा लेना है अलग से, तब आपका सही बनेगा। मेन रीजन होता है कि हमारा आगे का पर्दा छोटा हो जाता है अगर हम सिलाई के लिए कपड़ा नहीं लेते हैं तो एक्स्ट्रा में, तो अपने आप ही ब्लाउज का आगे का पर्दा छोटा हो जाता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।